नमस्कारम। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद को कैसे सीखा जाए, समझा जाए। एक भाई मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे आयुर्वेद सिखाओ। तो ऐसे में हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि कोई चीज़ एक दिन में नहीं आती है, पर फिर भी कोई पूछे अगर एक दिन में आयुर्वेद सीखना है, मुझे रास्ता दिखाओ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आयुर्वेद को पहले समझ लो कि ये सिर्फ दवाइयाँ देना, जड़ी बूटियाँ देना, बीमारियों का इलाज करना, इसको आयुर्वेद नहीं कहते। आयुर्वेद को तोड़ के अगर समझें तो आयु और वेद, आयु का मतलब जीवन जीने की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जीवन है जो हमारा, लाइफ है जो, और वेद माने उसका जो मैनुअल है, वेद माने जो हमें परमात्मा से ज्ञान मिला, परमात्मा से जो हमें मैनुअल मिला। एक मिक्सी, एक मशीन, कोई भी चीज़ आप लेके आते हो, साथ में उसका एक गारंटी कार्ड होता है, साथ में एक मैनुअल होता है जिसमें लिखा होता है इसको चलाना कैसे, ऑपरेट कैसे करना है। तो ये शरीर को पूरे कैसे चलाना है, ये इस मैनुअल का नाम आयुर्वेद है। इसमें उठने से लेके सोने तक हर चीज़ काउंट करेगी कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। ये पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर दूसरी बात, आयुर्वेद में आप नोट करना, पांच तत्वों पे बहुत जोर देते हैं हम। पांच तत्व कौन से हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार सिखाया, फिर सिखा दूं, ये अग्नि है, ये वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। पांच गिनने के लिए मैंने उंगलियां बताई। इनमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इसी से शरीर बना है। शरीर पांच तत्वों से बना है। बाहर की कोई भी दुनिया की चीज़ देख लो, पांच तत्वों से बनी है, चाहे पहाड़ है, नदियां हैं, मैंने कई बार बताया। तो पांच तत्वों से ही शरीर बना है, पांच तत्व ही शरीर के बाहर है, पांच तत्व ही हमने भोजन के रूप में खाने हैं, और पांच तत्वों को ही हम निकालते हैं। जो तत्व खराब हो गया, गंदा हो गया, निकाल दिया। वायु ली हमने, वायु तत्व लिया, वायु को ही निकाल दिया। अच्छी वायु ली, बुरी छोड़ दी। ये पांच तत्व ही खा रहे हैं हम, पांच तत्व ही छोड़ रहे हैं। कौन सा व्यक्ति किसके अंदर कौन सा तत्व की अधिकता है, कौन से तत्व की कमी है, बस इसको देखना है पहले। और कौन सी औषधि ऐसी होगी कि इस तत्व, इसके अंदर ये कमी है, इसकी कमी ऐसे पूरी कर दे, उस तत्व को देखे। और जिस तत्व की अधिकता है, कोई दूसरा तत्व लगा दे जिससे कि उसकी अधिकता कम हो जाए। आप बोलेंगे अधिकता कैसे कम होती है, जैसे वायु ज्यादा है, तो वायु ज्यादा है तो थोड़ी सी अग्नि और थोड़ा सा उसमें तरावट घी, कोई भी चीज़ ऐसी दे दो जिसमें थोड़ी सी अग्नि हो, गर्म हो और थोड़ा सा उसमें तरावट हो। जैसे आप अदरक ले लो, अदरक अकेला उसमें अग्नि तो है लेकिन वो खुश्क है, लेकिन अदरक को अगर हम थोड़ा सा तड़का या सब्जी में डाल दें, ऑयल वाली सब्जी में जिसमें ऑयल डला है, तो वो अदरक के साथ घी या तरावट भी मिल गई, तो वो गर्मी भी आ गई, तो वो वायु खत्म कर देता है। ये सारा सिंपल है, आपने देखना है। कोई चीज़ ऐसी है जैसे केला है, केले में पृथ्वी तत्व ज़्यादा हैवी है ना, तो पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, इसका मतलब वो वजन देगा शरीर को, पृथ्वी तत्व देगा, खुराक की पूर्ति करेगा। लेकिन उसमें अग्नि तत्व कम है, तो अग्नि तत्व कम है इसलिए वो ठंडा है केला। और जिनके अंदर कफ ज़्यादा है उनको नहीं देते, कफ ज़्यादा है तो क्या देते हैं फिर अग्नि वाली चीज़ देते हैं, फिर अदरक दे दो, पर उसमें इस बार घी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि कफ है, तो केला कफ है, उसने जाकर के अग्नि, अदरक की अग्नि ने कफ सुखा देना है। हमने बाहर के तत्वों से अंदर के तत्वों का इलाज किया, बस कुछ भी नहीं आयुर्वेद। आप समझें अगर, तो आपको ये समझना है कि बॉडी पांच तत्वों से बनी है और बाहर से पांच तत्वों की चीजें हैं, किसी में कोई तत्व ज्यादा है, किसी में कोई तत्व ज्यादा है। लौकी, खीरा, टमाटर, लौकी, खीरा और ये हलवा कद्दू और ये तरबूज, ये सारे जल तत्व इनमें बहुत ज्यादा है। पृथ्वी तत्व है लेकिन जल तत्व बहुत ज्यादा है और वायु तत्व बहुत ज्यादा है। खरबूजे का या तरबूज का फ्लावट कितना ज्यादा है, उसको निचोड़ो तो उसका गुद्दा इतना सा हो जाता है क्योंकि उसमें वायु है बहुत ज्यादा। तो जिनको गैस बनती है ज्यादा, उनको हम कहते हैं भैया वायु वाली चीजें कम खाओ, बाहर से वायु वाली कम चीजें लो। हमने पांच तत्वों का इलाज करना है, पांच तत्वों की सारी स्टडी करनी है, इसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, आप चाहते हो कि मैं कुछ पढ़ूं, तो आप तसीर पढ़ो, हर औषधि की, हर औषधि की तसीर पढ़ो, उसका नाम पढ़ो। तसीर का मतलब होता है वो गर्म है कि ठंडी है, पहले ये पता लगाओ। फिर वो खुश्क है कि तर है, ये पता लगाओ। पचने में वो भारी है कि हल्की है, ये पता लगाओ। वो सारा कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा निघंटू से। निघंटू ग्रंथ ले आओ, भाव प्रकाश ले आओ, निघंटू से पता चल जाता है हर औषधि का, हजारों चीजों का बताया हो उसमें।
किसकी क्या तस्वीर है, आपको पढ़ना आ जाएगा, एक बार समझना आ जाएगा। आसान सी भाषा वाला मंगवा लो ग्रंथ, पढ़ो बैठ करके। तो ये था हमने आयुर्वेद को समझना कैसे है। इसके अलावा आप क्रिया शरीर ग्रंथ ले आओ, रचना शरीर ग्रंथ ले आओ, अच्छी अच्छी ग्रंथ बनाने वाली जो प्रकाशक हैं बड़े अच्छे हैं, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो ग्रंथ। तो ये ग्रंथ पढ़ के भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो। वात पित्त कफ अगर किसी ने सीखना है तो मैं बीच बीच में क्लासेस लेता रहता हूँ, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि अगली वात पित्त कफ की कोर्स या सेशन कब है। मैं 7 7 दिन 5 5 दिन लोगों को मेरे पास आते हैं और सीख रहे हैं, अब मैं सिखा भी रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने समझनी है, मैंने बताया नाम तस्वीर औषधि के गुण, गुण मैंने 4 5 चीज़ें लिख के रखी हैं आपके लिए खास, कि नाम देख लो, उसका नाम से ही पता चल जाता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा का मतलब है अश्व जैसी, उसमें गंध है लेकिन अश्व जैसी ताकत भी है। हिंट मिल गया उसी से, कोई चीज़ वजन में हैवी है उसमें समझ लो कि उसमें वो चीज़ वजनदार है, पचने में भारी होगी, नेचुरल बात है। कोई चीज़ वजन में हल्की है, पचने में हल्की होगी। कोई चीज़ बड़ी तिक्खी लगती जुबान को, गर्म होगी। कोई चीज़ बड़ी सॉफ्ट लगती, सौम्य लगती है, गर्म नहीं होगी। कोई बहुत ज़्यादा जल तत्व से भरी है, ठंडी होगी। ये चीज़ों के ज़्यादातर यही साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसी से अंदाज़ा लग जाता है। थोड़ा पढ़ोगे भी और भी पता चल जाएगा, रंगों से पता चल जाता है। मैंने कई बार बताया है कि रंग देख लो, जिसका जितना डार्क है, जैसे कोई डार्क से डार्क सब्जी ले लो, टमाटर लाल है एकदम, गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं लेकिन गर्म है। क्यों बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, क्योंकि दिखने में लाल है, हल्का गर्म होगा लेकिन टेस्ट करो तो बड़ा सौम्य सा है टेस्ट, इसलिए इतना गर्म नहीं है। टमाटर, गाजर भी गर्म है, लाल है क्योंकि, लेकिन वो इतनी गर्म नहीं रहेगी कि आपको अंदर से वो बहुत गर्मी बढ़ा दे, नहीं, उतनी गर्म है जितनी की गर्मी उसको पेट को देनी है उसने। और जो ज़्यादा गर्म चीज़ है उसको जुबान पे रखते पता चल जाता है। लहसुन अदरक इनको देखो आप जुबान पे रखते, सड़ती है जुबान, पता लग जाता है ये अग्नि की वजह से है, उसमें अग्नि है। तो ये सारी चीज़ें 5 तत्वों पे खेल खेल रही हैं। अब औषधि के या भोजन की अंदर कोई अंतर नहीं है, आप सिर्फ उसकी नाम पहले देखो, नाम का मतलब देखो, क्यों रखा ऋषियों ने ऐसा नाम, उसके औषधीय गुण पढ़ो थोड़े से, यानी तस्वीर पढ़ो, उसमें तस्वीर क्या है, उसमें क्या क्या है, तस्वीर पढ़ लो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद उसकी मात्रा सीखो, मात्रा कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, किस चीज़ की, किस चीज़ की कितनी मात्रा एडिक्वेट होती है, किसके लिए मात्रा आ गई आपको देखनी। तो फिर उसके बाद देखो कि उसके अंदर सावधानियां क्या है, सावधानियों का मतलब होता है कि किस चीज़ की प्रिकॉशन क्या है, लेना किसको लेना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। जैसे बथुआ है, गर्म है थोड़ा सा, जिनको पीरियड्स नहीं आते उनको देते हैं लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। क्यों, प्रेगनेंसी में अगर बथुआ दे देंगे तो वो हो सकता है वो गर्भ गिरा दे, गर्म होता है ना। तो यही चीज़ें देखनी, सावधानियां देख लो, उस औषधि की सारी चेक कर लो, एक ग्रंथ दो ग्रंथ पढ़ लो ऐसे, तो उसमें हर उस औषधि के मतलब सारा पढ़ो डिटेल में बैठ करके। शौक अगर आ ही गया है, परमात्मा ने अगर इतनी दया की है, आपको शौक जगा है, तो फिर पढ़ लो इन चीज़ों की, ये 4 5 चीज़ें। अगर आपको उसकी तस्वीर पता चल गई, उसके औषधीय गुण पता चल गए, आपने सावधानियां पढ़ ली, फिर उसके बाद डिटेल में क्वालिटी देखो उसकी, कि ये किस किस क्वालिटी की आती है। जैसे हींग है, हींग अगर देखें, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकता लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हींग है, हींग आती है, हीरा हींग आती है, ऐसे ही उसमें हींग में और कई क्वालिटियाँ आती हैं, ऐसे गोंद कतीरा में कुछ क्वालिटियाँ आती हैं, फुटकी लेने जाओ उसमें क्वालिटियाँ आती हैं, कोई जड़ी बूटी लेने जाओ वो आपको पंसारी वाला बता देगा ये बढ़िया वाली है थोड़ी हल्की है, खुद नज़र आ जाएगा आपको ये पीस छोटा है ये पीस बड़ा है चीज़ का, तो उसमें क्वालिटी आ जाती है। क्वालिटी की तरफ ध्यान दो, क्वालिटी में भी ये होता है किस इलाके की है। अब बंगाल साइड की जो औषधियाँ उगती हैं ये कम असर करती हैं, थोड़ी मंद होती हैं, स्लो, इतनी ज़्यादा ताकत की नहीं होती। केरला साइड चले जाओ, आपने मशहूर होगा, आपने सुना होगा केरला के मसाले, क्यों, केरला की उसमें ऐसा है कि वो मसाले जहाँ या औषधियाँ वहाँ की बड़ी तिखी हैं, हिमालय की औषधियाँ ठंडी हैं, हिमालय ठंडा है लेकिन वहाँ की औषधियाँ भी ठंडी हैं, तो उगती हिमालय में औषधियाँ यूज़ होती हैं वो गर्म इलाकों में जाके, कुटकी, अब उगती पहाड़ों में उगती कुटकी लेकिन ठंडे इलाके में उगती है, लेकिन यूज़ उसका कहाँ हो रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यानी हमने वहाँ की ठंडक उठा के उस इलाके में दी औषधि की फॉर्म में, जहाँ पर ठंडक की कमी है हमने गोंद कतीरा वहां से ली, इराक में या जहां गर्मी है वहां से पकड़ी, हमने वहां पहुंचाई जहां उसकी जरूरत है,
जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है उस जगह से ठंड, वो गोंद कतीरा की फॉर्म में ठंडक पहुंचा दी है, तो 5 तत्व ही ना उसने, गोंद कतीरा ने ठंडक अपने अंदर समेट ली, बाकी सारे तत्व बाहर छोड़ दिए, तो वो ठंडक वाली औषधि हो गई। तो ये इस तरह एक आखिरी दो दो बातें रह गई हैं वो बता दूं मैं, कि फिर उसके बाद रूप देखो औषधि का, यानी कि अगर कोई गुलाब का फूल है, अब गुलाब का फूल ताजा लोगे ना अगर, तो वो गर्म है, गर्म तार है, गर्म है लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा, गर्मी नहीं करेगा, पीलिया नहीं कर सकता गुलाब का फूल गर्म होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट करो कितना सौम्य है, और उसकी निशानी है कि गुलाब का फूल ताजा गर्म है लेकिन वो तार है। तार का मतलब होता है ऑयली है, वो लुब्रिकेंट है, खुश्क मतलब होता है ड्राई, और तार का मतलब होता है जो ड्राई नहीं है उससे ऑपोजिट है। तो वो समझ लेना, मेरे शब्द थोड़े आपको कई बार लग जाता होगा कि मैं खींचता हूँ बात को, लेकिन ये समझ लेना। तो गुलाब का फूल गर्म है लेकिन तार है, तो ताजा तब देते हैं जब हार्ट की फंक्शनिंग इंप्रूव करनी है, जब जुकाम किसी को वायु बढ़ा हुआ है, तो ताजा गुलकंद दे दो या ताजा दे दो गुलाब, कोई दिक्कत नहीं। खुश्क हो जाए, अगर सूख जाए गुलाब, तो वो गुलाब का फूल तर नहीं रहा, खुश्क हो गया, सर्द हो गया, साथ में ठंडा हो गया। तो ये चीज है, उसमें हम शरबत बना लेते हैं उसका, फिर ठंडा हो गया गुलाब के सूखे फूलों का शरबत बन गया, वो ठंडा हो गया। इसी तरह कोई भी चीज़ ले लो, उसकी अगर ताजी फॉर्म में लेते हो उसकी कुछ तस्वीर और होती है, अर्क में कुछ और तस्वीर होती है, उसको अगर सुखा के लिया तो उसकी कोई और तस्वीर होगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और कईयों का नहीं भी पड़ता, ये देखना है बस। इसकी स्टडी करो आप, और इसकी स्टडी अगर आप करोगे तो और भी शौक पड़ जाएगा आयुर्वेद में, फिर इंसान बाहर नहीं आता इसमें, और धंसता चला जाता है। इंटरेस्ट ही बहुत है इसमें लोगों को, जिसको है बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपको दिन कहाँ बीत गया, रात कब हो गया, आपको पता नहीं चलेगा। ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती, पूरा दिन चढ़ जाता है, हमें नजर आता है अरे सुबह हो गई। तो ऐसे कई चीजें हैं, आप पढ़िए। और फिर उसमें आखिर में योग, योग का मतलब होता है इस औषधि को किसके साथ मिलाऊंगा तो क्या फायदा करेगी। अकेली हींग है, अकेली हींग जितनी कारगर है ठीक है, लेकिन वो थोड़ी खुश्क है, तो अकेली हींग कई बार पित्त वालों को नहीं देते, गर्मी जिनको पड़ी नहीं देते, पर उसी हींग को जब घी में भून लेते हैं, वो योग हो गया उसका, हींग के साथ मिक्सचर हो गया, मेल आ गया उनका, उसके अंदर गर्मी तो रहेगी हींग के अंदर, लेकिन उसकी खुश्की घी ने दूर कर दी हींग की। तो अब वो वाली हींग जब घी में तली हुई हींग देंगे, तो वो हींग आपको वायु भी ठीक कर देगी, पित्त भी नहीं बढ़ाएगी। लोग मेरे को पूछते हैं ना, मेरा वायु भी बढ़ा पित्त भी बढ़ा, भैया वायु बढ़ा पित्त भी बढ़ा, तो फिर हींग अगर लेनी ही है तो वो घी वाली लो, उसने उसकी खुश्की दूर करके लो। बादाम लेने हैं मान लो, आपका वात भी बढ़ा पित्त भी बढ़ा, चलो एक उदाहरण दे देता हूँ ताकि आपको आज कुछ सीखने का मन है तो सीख भी लो। आपने बादाम लिए, बादाम मैंने बादाम की वीडियो में डिटेल में बताया हुआ, फिर भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बादाम गर्म है, सूखा बादाम गर्म है, पर वो खुश्क है। वायु वाले को दोगे तो वो गर्म गर्म, वायु वाले को गर्म चीज देनी चाहिए लेकिन खुश्क नहीं देनी। फिर आप हो गए इसको कैसे करें, फिर बादाम को हमने घोट दिया दूध के साथ, खीर में उबाल के अच्छी तरह दे दिया, वो ठीक है, वो आपका गर्म भी रह गया और तार हो गया घी या दूध मिलने से। 5 तत्वों का सारा खेल है, चाहे वो खाने की चीजें हैं वो भी 5 तत्वों से बनी है, सारा वायुमंडल है ये भी 5 तत्वों से बना है, और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। कहाँ किस चीज की कमी है, किस चीज क्या चीज कहाँ पूरी करनी है, उसको बस देखो, उसी को समझो, उसी का इलाज करो। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।